रुक करते हैं प्रदेश की ओर। नए ट्रैफिक रूल्स को लेकर बिलासपुर पुलिस व आरटीओ विभाग सतर्क हो गया है। प्रतिदिन विभाग अपनी टीम के साथ जिला भर में नाके लगा रहा है, जिसमें हर रोज नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है तथा अभी तक आरटीओ बिलासपुर ने 70 गाड़ियों के चलान काट कर मौके पर ही 55 गाड़ियों से 80,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला है, जबकि स्पेशल रूट टैक्स को लेकर लगभग 15 से 20 बसों को पकड़ा है। बिलासपुर NH हमीरपुर शिमला रोड पर भगेड़ कंद्रोल के पास लगाए गए नाके के दौरान आरटीओ ने कई गाड़ियों की कागजात और परमिट चेक किए। नाके के दौरान निजी बसों को आरटीओ ने बिना परमिट के पकड़ा है। बस चालक मौके पर आरटीओ को जरूरी कागजात भी नहीं दिखा पाया। आरटीओ ने बस को इम्पाउंड कर लिया है। आपको बता दें कि ट्रैफिक रूल्स को लेकर बिलासपुर पुलिस व आरटीओ विभाग सतर्क हो गया है। प्रतिदिन विभाग अपनी टीम के साथ जिला भर में नाके लगा रहा है, जिसमें हर रोज नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक आरटीओ बिलासपुर ने 70 गाड़ियों के चलान काटकर मौके पर ही 55 गाड़ियों से 80,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला है, जबकि स्पेशल रूट टैक्स को लेकर लगभग 15 से 20 बसों को पकड़ा है तथा उनके खिलाफ कार्रवाई करके 85,000 से ज्यादा का जुर्माना डालकर छोड़ा गया है। आरटीओ बिलासपुर SK पराशर ने बताया कि विभाग ने कई गाड़ियों को जब्त किया था तथा जुर्माना वसूलने पर गाड़ियों को छोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि आरटीओ विभाग की टीम प्रतिदिन नाके पर होती है। इस दौरान अगर कोई भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मौके पर ही सख्त कार्रवाई हो रही है। आजकल आए दिन बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और आम नागरिक की सड़क पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हिमाचल गवर्नमेंट ने 2 तारीख से 9 तारीख तक एक स्पेशल कैंप चलाया है, जिसमें हम गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। और इस चेकिंग के दौरान हम जो विशेष फोकस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि गाड़ियों में ओवर लोडिंग ना हो, ओवरलोडिंग ना हो, बस जो गुड्स व्हीकल है उसमें पैसेंजर्स को ना रख जाए, जो गाड़ियाँ सड़क पर चल रही हैं उनके परमिट प्रॉपर हों, उनकी फिटनेस हो, फिटनेस सर्टिफिकेट हो उनके पास। और इसके अलावा हम जो टिकटलेस ट्रैवलिंग है उस पर भी हम पूरे उसको भी चेक करें। अभी इस दौरान हमने जो गाड़ियाँ चेक की हैं उसमें लगभग हमने 70 हमने चलान किए हैं विभिन्न ऑफेंसेस के, उसमें से 55 जो चलान हैं वो मौके पे सेटल हो गए थे और उसमें से हमें 80,600 रुपये की हमने रिकवरी की। इसके अलावा जो हमने सड़क पर जो पैसेंजर बसेज चलती हैं उनके SRT जो स्पेशल रोड टैक्स होता है उसको भी हमने चेकिंग किया और उसके हमने 85,000 हमने उसकी रिकवरी की। तो इस चेकिंग के दौरान हम इस चेकिंग के माध्यम से हम आम जनता का कोई मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो सड़क पर गाड़ी चलाते हैं या सड़क पर चलते हैं तो वो जो ट्रैफिक के नियम्स हैं उनको अच्छे तरह से पूरे ढंग से फॉलो करें और उनकी पालना करें, तो ताकि सड़क पर दुर्घटनाएँ हम कम से कम।